नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज हम बात करेंगे कि महिंद्रा यूरस की टायर की स्लिपेज कैसे बंद करें। टायर स्लिप जिस ट्रैक्टर में हो रहे हैं उसके टायर की स्लिपेज को कैसे रोकें और खेती के काम को कैसे आसान बनाएं, तो उसके लिए मैं आपको एक जुगाड़ दिखाऊंगा आज और बताऊंगा उसकी सभी डिटेल। आप देख सकते हैं ये कंपनी की पिन है, यहाँ पर यह कंपनी की पिन है, उसको कंपनी वाले इस पाटे को यहाँ पर फिटिंग देते हैं हमें कंपनी फिटेड। और हमने क्या किया बाद में, इस पाटे को यहाँ पर एक पिन लगाकर, एक्स्ट्रा पिन लगाकर कहीं पर भी बॉडी में वेल्डिंग नहीं किया। ये जो ट्रॉली का सिस्टम है उसमें हमने एक पिन को लगा दिया और पिन ऐसी है कि आप देख सकते हैं ये मोटी प्लेट है एक, उस प्लेट में दो बोल्ट से हमने उसको फिटिंग कर दिया और यहाँ पर वेल्डिंग कर दिया और अभी ये पाटे को यहाँ पर लगा दिया, जिससे हमारी टायर की स्लिपेज 80% कम हो चुकी है और काम भी बहुत बढ़िया दे रहा है ट्रैक्टर। तो इससे क्या फ़ायदा होगा, आप अभी आप सीधा सीधा देख सकते हैं ये जो पाटा है उसकी कंडीशन ऐसे है, ये जो इस साइड पीछे वाला भाग है वो नीचे है और उस तरफ का भाग ऊँचा है, जिससे क्या होगा अभी जब भी हम ट्रैक्टर खेत में चलाएँगे तो अभी आप देख सकते हैं अभी ये रोड पर खड़ा है, जब भी ये खेत में चलेगा तो क्या होगा, ये दाती वाला भाग जैसे ही नीचे जाता जाएगा वो और नीचे हो जाएगा पीछे वाला भाग और आगे वाला भाग और ऊपर रहेगा और जितना बैठेगा उतना वो टायर को नीचे की ओर खींचेगा। और जब ये कंपनी वाला फिटिंग था उसमें क्या होता था, अभी वो कंपनी पर अगर कंपनी की पिन पर हमने पाटा अगर लगाया होता तो वो पाटा पीछे से ऊपर रहेगा और आगे से ऐसे झुका हुआ रहेगा, इस तरीके से कंडीशन में इससे ऐसे रहेगा, तो क्या होगा जब भी हम इसको बिठाने की ट्राई करेंगे तो ट्रैक्टर के टायर ऊपर फ्री हो जाएंगे और ट्रैक्टर के टायर फ्री होंगे उस पर लोड नहीं आएगा तो टायर की स्लिपेज को बढ़ाएगा। तो इस जुगाड़ से हमें तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिला है, आप भी ट्राई करके जरूर देखिएगा। जिसको भी ये प्रॉब्लम है कि ट्रैक्टर के टायर स्लिप हो रहे हैं वो लोग जरूर इसकी एक बार ट्राई करके देखें, मुझे बहुत ही बढ़िया रिजल्ट मिला है। इसलिए मैं 5-6 साल से यही सेटिंग पर ट्रैक्टर को चलाता हूँ।